मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब 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 आप सबको, यानी कि राइजिंग पाकिस्तान को ना सिर्फ आज राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद बल्कि आज पूरे राइजिंग पाकिस्तान को योम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। आज है 23rd of March 2021 और आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेलिब्रेट योम पाकिस्तान को, पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। और आज हमने बहुत ही यूनिक और खास मेहमान बुलवाए। आप सोचे भला कौन है? हमने राइजिंग पाकिस्तान के उन तमाम चेहरों को आज इनवाइट किया है जिनको आप रोजाना प्रोग्राम के अंदर देखते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स में देखते हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स, माहम और जनाब तहमीना और काशिफ और अब्दुल्ला और मुस्तफा और इरम, और सबको हमने इनवाइट किया। आप देखें कौन कौन पहुंच पाता है आज के शो में। उनसे हम गप लगाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो यौम पाकिस्तान पे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं। तो एक गपशप होगी जो हमारा मेन सेगमेंट होगा। इस कॉर्नर को हम सजाएंगे और आपकी एक और दोस्त से भी मुलाकात कराएंगे और वो है अवैस नियाजी, जो कि बहुत जबरदस्त मजेदार म्यूजिक क्रिएट करते हैं। हमने अवैस को, अवैस आ जाओ सुबह सुबह बैठ के जरा कुछ पाकिस्तान के तराने गाएं, कुछ इंजॉय करें सुबह या शाम, मतलब पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी न्यूज, पीटीवी होम, आप जहां भी हमें देख रहे हैं, सुबह में देख रहे हैं या शाम में देख रहे हैं, आज हमने सेलिब्रेट करना है योम पाकिस्तान। और इस साइड पे देखिए जनाब यहाँ क्या हो रहा है, इतने सारे बलून्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, इतने सारे बलून्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे राइजिंग पाकिस्तान के बच्चे। कौन कौन है जी? आयजा है, अजवद है, अरहम है, अच्छा जी अरजान है, अनाया है, नोवेरा है, हादी है, और भी कुछ बच्चे होंगे शायद जो साथ साथ आए और उनसे हम गपशप लगाएंगे। तो बच्चों से मैं असल में गप लगाना चाहता हूँ। आज के हम यौम पाकिस्तान को तो सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं हाँ जी पाकिस्तान जिंदाबाद और तराने भी गाते हैं, लेकिन हमारी ये नस्ल, ये जनरेशन पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो ये कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वाली जनरेशन डेफिनेटली हमसे बाद वाली जनरेशन से भी बेहतर है। जब थर्ड जनरेशन आ गई है, आयजा जैसे बच्चे, अरजान जैसे बच्चे, ऑफ कोर्स जब इनसे मैं मिलता हूँ तो मुझे इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन और बहुत खुशाइन नज़र आता है। तो आज ज़रा बच्चों से भी हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। और ये बलून्स को मेरा तो ऐसे दिल कर रहा है, जब बर्थडे होती है जो मेरा बेहतरीन काम ही होता है कि पहला जिसका जो बच्चा केक, यानी जो उसका केक कटे उस केक से थोड़ी सी केक फाइट भी हो और जिसकी बर्थडे हो उसके उसको सेलिब्रेट ऐसे किया जाए कि बलून्स जो है उनके फटने की जो आवाज़ होती है ना ठा ठा ठा, तो कुछ ऐसा भी सीन अभी हम करेंगे। तो ये है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी राइजिंग पाकिस्तान की टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। आज यौम पाकिस्तान है, 23rd मार्च स्पेशल एपिसोड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और यही गपशप और सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। आज हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। हमारे साथ है जी कौन है, अरहम है, हादी है, अजवद है, नोवेरा है, अनाया है, अरजान है और आयजा है। और हम स्टार्ट कैसे करने लगे हैं हम जी? दिल दिल पाकिस्तान से, दिल दिल पाकिस्तान से। यस, चलो जी 3 2 1 क्यू। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा भाई स्टार्ट किससे करें गपशप? मेरा ख्याल है
अजवत से शुरू करते हैं, है ना जी। अजवत आज इतना स्मार्ट लग रहा है। अजवत माइक्रोफोन अपने पास कर लीजिए। तो अजवत से हम ये पूछेंगे, बल्कि सारे बच्चों से आज ये पूछेंगे कि आप बड़े होके पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या डिफरेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। जी अजवत आपसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बंदा अच्छा इंसान नहीं है तो फिर वो किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकता। सेकेंडली, क्योंकि मुझे ICT और कंप्यूटर्स अच्छे लगते हैं, तो मैं एक ऐसा ट्रैफिक सिस्टम बनाऊंगा जिससे पाकिस्तान का ट्रैफिक रेगुलेशन बेहतर हो जाए। वाओ, पाकिस्तान के ट्रैफिक सिस्टम के लिए अजवत काम करना चाहते हैं। वेरी गुड भाई, आई थिंक दिस इज अ गुड ड्रीम। बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा जी, हादी तो जनाब चौधरी साहब ऐसे है ना बैठे हुए हैं, है ना, हम सब आए हुए चौधरी साहब के घर, है ना। हाँ जी हादी, आप क्या करोगे बड़े होकर? मैं बड़ा होकर बनना चाहता हूँ एक क्रिकेटर, ताकि मैं पाकिस्तान का नाम दुनिया के कोने कोने में रोशन करूँ। एब्सोल्युटली भाई, जबरदस्त। हादी के लिए भी तालियां। क्रिकेटर साहब, तो बैटिंग ज्यादा होगी बॉलिंग होगी? वैसे T20 में तो सब कुछ चाहिए होता है। मुझे बैटिंग। बैटिंग, वेरी गुड। अच्छा जी, अरहम की बारी है, अरहम क्या करेंगे जी? मैं जो हूँ ना, मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, ताकि कुछ लोगों के घर जो है वो बहुत खराब होते हैं, उनके लिए मैं उनके लिए ठीक करूँ उनके घर, ताकि वो आराम से रह सके। आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं? अभी अब्दुल्ला अंकल भी आ रहे हैं, उनको भी हम बताते हैं कि भाई अरहम भी आपकी तरह आर्किटेक्ट बनेंगे। वेरी गुड। और जिन लोगों के घर ठीक नहीं, उनके घर ठीक करेंगे, ये वो वाले आर्किटेक्ट हैं। ओके, नवेरा जी। तो मैं बड़ों के टीचर बनना चाहती हूँ और बहुत से किड्स को एजुकेट करना चाहती हूँ। गुड टीचर, जबरदस्त। इतना ऑनरेबल प्रोफेशन है, और आई एम सो हैप्पी कि नवेरा आप जैसे ब्राइट और जहीन बच्चे जो हैं वो इसी एज से ड्रीम कर रहे हैं कि मैंने टीचर बनना है, क्योंकि हमारे मुल्क को, हमारी कौम को आपकी जनरेशन में बहुत जबरदस्त अच्छे टीचर्स चाहिए होंगे। और उनको बहुत से लोग जो एजुकेट, बच्चे जो एजुकेट नहीं होते, मैं उनको पढ़ाऊंगी और मैं उनको अच्छा हैप्पी स्माइल दूंगी। हाँ, हैप्पी स्माइल दूंगी। वेरी गुड जी। अनाया, मैं बड़े होके जो है ना एक प्रोफेशनल बनना चाहती हूँ और पाकिस्तान को खुश करवाना चाहती हूँ। खुश रखना चाहती हूँ भाई, पाकिस्तान को खुश रखना चाहती हूँ। मैं प्राउड करना चाहती हूँ, प्राउड करना चाहती हूँ। वेरी गुड। लेकिन प्रोफेशनल, आप किस चीज के प्रोफेशनल बनना चाहती हैं? कंप्यूटर्स की प्रोफेशनल बनना चाहती हैं अनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी अरजान, आप बताइए। अच्छा, तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक मतलब चैरिटी के कुछ खोलूं, ताकि जो लोग ऐसे हैं जिनके प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, फाइनेंशियली और फिजिकली भी सकूं, तो उनके हेल्प हो सके। राइट। लेकिन वैसे अरजान, एज अ प्रोफेशनल योरसेल्फ, किस तरह की डिग्री लेना चाहोगे? मसलन मास्टर्स किस फील्ड में करना चाहोगे, या PhD करना चाहोगे, या बैचलर्स करना चाहोगे, वो एकेडमिक फील्ड क्या चुनोगे आप? तो एकेडमिक में मेरा जो पहले तो मैं क्रिकेटर का, मुझे क्रिकेट का शौक है, मुझे बॉलर बनना है हादी की तरह। ओ, लेकिन नहीं भी, अब हादी चला गया, हमने एक बच्चा भेज दिया क्रिकेट टीम में, दूसरे बच्चे को हम कहीं और भेजेंगे, तो हम कुछ और बताओ। तो फिर और इसके अलावा बी प्लान भी होना चाहिए ना, तो उसके लिए मेरे पास पायलट। जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड जी। आयजा, मैं जो हूँ ना, मैं एक टीम ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ, ताकि वो जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पढ़ा सके, ताकि वो भी कौम का नाम रोशन कर सकें। टीम से क्या मुराद? टीम के मतलब मैं फुटबॉल टीम? नहीं, टीचर्स और इस तरह। और फिर मैं डोनेशन इकट्ठी करूँगी और फिर उसके बाद मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगी। अच्छा, ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये तो अरजान और आयजा का कुछ मिलता जुलता सा हो गया है ना, तो हम क्यों ना इन दोनों को टीम अप कर देंगे, मिलके कुछ है ना पॉवर्टी के मसले को हल करने के लिए कुछ करें, है ना। गुड गुड गुड। तो भाई सब बच्चों के लिए तालियां बजाएं। अच्छा जी, अब क्या होने लगा है? अब होने लगा है हमें पाकिस्तान में आखिर में एक कंपटीशन। ओके, अरहम के तो ऐसे अरहम की शक्ल दिखाएं। भाई आपको बताएं, अरहम डर रहा है कि बलून जब फटेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, मैं कहूंगा 3-2-1 गो,
गो पे आपने, हमने देखना है कि सबसे पहले कौन बलून को फाउल अनाया, देखो अपनी चूड़ियां उतार के चूड़ी से हाथ से बलून को फाड़ना है और सेलिब्रेशन के पटाखों की आवाज आनी चाहिए बलून्स में से, ठीक है? और हम देखेंगे कि कौन सबसे पहले अरम को देखो, नहीं जी पांव से नहीं फाड़ सकते, हाथ से फाड़ना है। और कंट्रोल रूम आपने गौर से देखना है कि आपको कैमरे में नजर आएगा किसका बलून सबसे पहले फटेगा और सबसे आखिर वाले को भी इनाम मिलेगा। ओ! ओ! मुझसे नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, हादी और आयजा का अब आखिर में मुकाबला रह गया। 1 2 3 गो भाई। सबसे पहले मेरा ख्याल है, मेरे ख्याल में नोवेरा इज द विनर। कंट्रोल रूम आप बताएं, मेरा ख्याल है नोवेरा, और नोवेरा के लिए तालियां। वेरी गुड वेरी गुड। और भाई हादी के लिए भी तालियां हो जाएं, इसका बलून फटा ही नहीं। एक और बलून अनाया, 1 2 3 चूड़ियां लगी। वेरी गुड। चलो भाई बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजे का सेगमेंट था। ऑल द बेस्ट आप सबको, यौम पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि राइजिंग पाकिस्तान की जो आप टीम है, और आप में से और भी बहुत से बच्चे हैं जो आज नहीं आए, आप इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपनी फील्ड्स में। आई विश यू गुड लक, आप अपनी ड्रीम्स को अचीव करें। और अब आखिर में हम पाकिस्तान का नेशनल एंथम गिटार पे सुनेंगे। गेस कौन प्ले करने वाला है हमारे लिए पाकिस्तान का नेशनल एंथम, द वन एंड ओनली आयजा। चलो सब बच्चों नेशनल एंथम के ऑनर में सब खड़े हो जाएं। आप लोग भी जो हमें टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाकिस्तान का कौमी तराना होने लगा है जी, आयजा प्ले करेंगी। हमने गाना नहीं, हमने सिर्फ एंथम को गिटार पे सुनना है लाया, ठीक है? ओके जी। राइजिंग पाकिस्तान में चल खेलेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की तकरीबन सारी टीम ही मुझे पता लगा आज पहुंची हुई है, और सबसे गपशप होगी। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं।